मेरा जो इंटरव्यू था वो अगस्त क्रांति वाले दिन था, जिस दिन यहाँ बिहार में सचिवालय, तो उन्होंने पूछा कि बिहार के सचिवालय के बाहर किन लोगों की मूर्ति है। तो उन्होंने बोला कि आप ये बताइए, अगर आप अपने ऑफिस में हैं और आपके ऑफिस के बाहर अगर 50-100 की संख्या में लोग आ जाते हैं नारे लगाते हुए आपके खिलाफ कि मतलब मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगी? इंटरव्यू में आखिर ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगा हो, आप फंस भी गई हो अगर, तो आपको लगा हो कि हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं मतलब याद रखूंगी, ऐसा एक कुछ अपना मोमेंट ऐसा शेयर कीजिए इंटरव्यू के दौरान। मेरा जो इंटरव्यू था वो अगस्त क्रांति वाले दिन था, जिस दिन यहाँ बिहार में सचिवालय, तो उन्होंने पूछा कि बिहार के सचिवालय के बाहर किन लोगों की मूर्ति है। मैं आपको सच सच बता दूं तो मैं गई नहीं थी कभी सचिवालय के आसपास इसके पहले, तो मुझे मतलब ये समझ आया कि उन्होंने जो बच्चे थे उस वक्त अगस्त क्रांति में, उन्होंने शहादत दी थी मतलब आज ही के दिन, तो जरूर उन्हीं की मूर्ति होगी। तो मैंने एक ऐसा गेस बोला और मैं उनके नाम याद करके गई थी, लेकिन मुझे ये एग्जैक्टली नहीं ध्यान था कि उनकी मूर्तियां भी हैं सचिवालय के बाहर। तो उन्होंने मैंने बोला कि सर जो बच्चे हैं जिनकी जिनका आज शहादत दिवस है उनकी मूर्तियां हैं। तो सर ने बोला क्या आप कुछ नाम बता सकती हैं? तो उस चीज के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड थी, तो मैंने वो बता दिया। अब उसके बाद सर सीधे चौरी चौरा पे जंप कर गए और उससे उस पे बेस्ड एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा मेरे से कि आप ये बताइए कि उन्हें पता था कि मैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी के तौर पर अभी हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ये बताइए, अगर आप अपने ऑफिस में हैं और आपके ऑफिस के बाहर अगर 50-100 की संख्या में लोग आ जाते हैं नारे लगाते हुए आपके खिलाफ कि मतलब मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगी? मैंने इस पे यही बोला कि सर मैं पहले पता करूंगी कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो सर ये सुनने के मूड में नहीं थे। सर बोलते हैं कि मान लीजिए वो बहुत भड़के हुए क्राउड है, आप किससे बात करिएगा, तो वो तो पूरा मॉब है। तो मैंने बोला सर मॉब तो कोई ना कोई मतलब उसमें से होंगे, मैं कोशिश करूंगी इंटरेक्ट करने की। तो एक्चुअली वो ये सुनना चाहते थे कि मैं कैसे एक्शन लूंगी। तो मैंने बोला सर अगर वो शांत नहीं होंगे तो फिर मैं पुलिस एक्शन लूंगी, मेरे पास फोर्स होगा तो मैं उससे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। तो सर को एक्चुअली ये जानना था उसमें बस एक चीज कि अगर वो मॉब है तो वो लीडरलेस होगा। तो इस चीज के लिए उन्होंने वो पूरा मुझे वो दिया था सिचुएशन और उसके हिसाब से। तो ये सवाल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। उसके बाद उन्होंने मॉब का डेफिनेशन पूछा और पूछे कि मॉब में लीडर होता है कि नहीं। मैंने बोला सर नहीं। तो सर बोले तो आप लीडर बन जाओ, आप संभाल लो मॉब को, मॉब को तो किसी भी तरह से संभाल सकते हो। तो वही वो बताना चाहते थे कि मॉब लीडरलेस होता है, तो उस वक्त जो पोजीशन होल्डर होता है उसी को लीडर का रोल प्ले करना होता है। ये सवाल इंटरेस्टिंग था काफी।